मझिम निकाय के उंगली माल सूत्र के अनुसार एक समय बुद्ध सावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस काल में राजा पसेनदी के कौशल राज में उंगली माल नाम का एक निर्दयी डाकू रहता था। वह मनुष्यों को जान से मारकर उनकी उंगलियों की माला धारण करता था। उसके आतंक से ग्राम अग्राम, निगम अनिगम और जनपद अजनपद हो गए थे। एक बार बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे जहां उंगली माल रहता था। इस पर उंगली माल अपने हथियार ले उनके पीछे हो लिया, परंतु वह बड़े वेग से दौड़कर भी उनको पकड़ नहीं पाया। तब खड़ा होकर वह बुद्ध से बोला, ठहर जा श्रमण। बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहरा हुआ हूं उंगली माल, तू चल रहा है। उंगली माल को यह समझ में नहीं आया कि यह श्रमण स्वयं चलते हुए को ठहरा हुआ और मुझे ठहरे हुए को चलायमान कैसे बता रहा है। अतः उसने इस बारे में उनसे पूछा। बुद्ध ने कहा, उंगली माल, सारे प्राणियों के प्रति दंड छोड़ देने से मैं सदा स्थिर हूं और तू प्राणियों में असंयमी होने से अस्थिर है। इतना सुनकर उंगली माल को इसका आशय समझ में नहीं आया। उसने कहा, श्रमण, क्या कहना चाह रहे हो? फिर बुद्ध ने कहा, उंगली माल, सभी प्राणियों के प्रति तुम्हारे द्वारा की गई हिंसा और अकारण ही उनके प्रति दंड के रूप में निर्दयता ने तुम्हें पूरी तरह से असंयम बना दिया है और इसी ने तुम्हें पूरी तरह से व्याकुल, बेचैन और असंयमी बना दिया है और इसी से तुम्हारी मनोदशा भी अस्थिर हो गई है। न जाने उंगली माल को बुद्ध का उत्तर सुन लगा कि बुद्ध ने पूरी तरह से उंगली माल की मनोदशा का विवरण दे दिया। उंगली माल के अंतर मन को मानो बुद्ध के शब्दों ने छू लिया, जैसे कि बुद्ध ने उंगली माल के सबसे दुखती रग पर ही हाथ रख दिया। उसके शरीर का आवेश शांत हो गया। उंगली माल को पूरी तरह से बुद्ध के शब्दों ने हिला कर रख दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बुद्ध उसके दुखों की उसकी व्याकुलता को जान ली। उसके हाथ से उसके शस्त्र छूट गए। शरीर एक कंपन से भर उठा। एक अजीब सी सरसराहट पूरे बदन को कपकपा रही थी। उंगली माल समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे लोग उससे भयभीत रहा करते हैं। लोग उसके नाम से ही कांप जाया करते हैं, परंतु यह श्रमण जिसे कोई भय नहीं, और इस श्रमण का मुखमंडल इतना तेज कि वह धीरे धीरे अपना होश खोता जा रहा था। बुद्ध उंगली माल की अवस्था देख उससे कहा, लोगों के प्रति की गई हिंसा जिससे तुम्हें सुख प्राप्त होता है, यह तुम्हारा भ्रम है जिसने तुम्हें और भयभीत कर दुखों के दलदल में डाल दिया है, और इससे बचने के लिए तुम्हें कठोर परिश्रम करना होगा। तब उंगली माल ने बुद्ध से निवेदन किया, हे श्रमण, कृपया मेरे ऊपर दया करें।
मुझे इस दुखों के दलदल से निकालें, मेरा जीवन उद्देश्यहीन हो गया है, मैं क्या और क्यों कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। और फिर बुद्ध उंगली माल को लेकर सावस्ती के आराम जेतवन पहुँचे। आगे आगे बुद्ध, पीछे पीछे उंगली माल नजर लटकाए। रास्ते में लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा कि क्या यह वही उंगली माल जो निर्दयता का दूसरा रूप था, और यह कैसे बुद्ध के पीछे पीछे एक बधे हुए जानवर की तरह चला जा रहा था। उंगली माल के ऊपर कई लोगों का क्रोध था कि कई के परिजनों को उंगली माल ने मारा था। उनका यह क्रोध उंगली माल के ऊपर हमला करने के लिए उकसाया भी, मगर बुद्ध के साथ होने की वजह से कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अपनी कुटिया में पहुँच बुद्ध ने आनंद को उंगली माल को आराम कर दूसरे दिन प्रातः मिलने का निर्देश दिया। आनंद उंगली माल को ले एक अलग कुटिया में गए और उसे आवश्यक भोजन सामग्री दे आराम करने को कहा। मगर उंगली माल को आराम की सुध कहाँ। उसने देखा कि हजारों की संख्या में भिक्षु ध्यान लगा रहे थे। सभी के चेहरे पर असीम शांति व राहत का एहसास उससे बरबस ही आकर्षित कर रहा था कि आखिर कैसे संभव है कि सब कुछ त्यागने के बाद भी इतना शांत रहा जा सकता है। उसने भी कुटिया में ध्यान लगाने का निश्चय किया। जैसे ही उसने कुटिया में अपनी आंखों को बंद कर बैठा, वैसे ही विचारों की एक बाढ़ सी आ गई। उसके मानस पटल पर उसके द्वारा किए गए सारे कृत्य एक के बाद एक आने लगे। किसी का उसने धन छीन कर उसकी हत्या की थी, किसी को लूट कर उसने मार डाला था। स्त्रियों के प्रति की गई निर्दयता एक एक कर उसके दिमाग में आने लगी। उसके द्वारा की गई हिंसा की एक एक चीख पुकार उसे सुनाई देने लगी कि किस प्रकार से लोग उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे और उसने किसी को भी नहीं छोड़ा था। क्या हुआ होगा उन परिवारों के साथ जिन परिवार के लोगों की उसने हत्या की। आखिर इतनी हिंसा कर उसे क्या मिला? कुछ नहीं। तो वह यह नहीं समझ पा रहा था कि बुद्ध ने उसके ऊपर क्यों दया की, क्यों उसे अपने साथ फिर लेकर आए। इन सभी बातों ने उंगली माल के अंतर मन में मानो एक तूफान ला दिया। एक के बाद एक इन विचारों ने उसे पूरी तरह से विह्वल कर दिया। उसके सर में बड़ी पीड़ा होने लगी। वह हड़बड़ाकर उठ गया और सोचने लगा कि यह क्या है। ये उसे लगा कि इस प्रकार के ध्यान से बैठने से उसे भी भिक्षुओं की तरह शांति और राहत मिलेगी, मगर यह क्या, इसने तो उसे बेचैन ही कर दिया। वह उठकर कुटिया के बाहर आया। मध्य रात्रि हो चुकी थी। वह कुटिया के बाहर ही बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि
क्यों इतना अस्थिर है वो, क्यों इतना बेचैन है, क्यों इतना व्याकुल है, आखिर क्यों उसकी यह मनोदशा है। जब उससे बुद्ध मिले थे तब उन्होंने भी उसकी इसी मनोदशा को समझ लिया कि वह अस्थिर है, मगर फिर से वह काफ़ी समय तक इसी उधेड़ बुन में लगा रहा कि क्यों लोगों को ध्यान में बैठने से राहत और शांति मिल रही थी और वह बेचैन हो रहा था। काफ़ी समय बैठने के बाद फिर से उसने भिक्षुओं की तरह ध्यान लगाने का निश्चय किया और पुनः वह कुटिया में जाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। मगर यह क्या, फिर से बैठते ही उसका अंतर मन फिर से विचारों के दलदल में खो गया। फिर उसके मन में अजीब से विचार आने लगे कि वह इनके बीच में आ तो गया है मगर बुद्ध के साथ नगर में प्रवेश करते समय लोगों के चेहरे याद आने लगे कि किस प्रकार से वे उनके परिजनों की हत्या की वजह से उस पर क्रोधित थे। उसके मन में डर उत्पन्न हुआ कि कहीं वे लोग मिलकर उस पर हमला ना कर दें। फिर वह सोचने लगा कि वह कहां से इस श्रमण के चक्कर में आ गया। यह सब सोचते सोचते वह फिर से हड़बड़ा कर उठ गया और बाहर देखा तो सुबह सुबह के भोर की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे ही वह बाहर आया उसके सामने बुद्ध खड़े थे। वह स्तब्ध सा हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ उंगली माल? उंगली माल ने कहा कि भिक्षुओं को ध्यान में देख उनके मुख पर सुख शांति व राहत के भाव ने मुझे भी ध्यान लगाने के लिए प्रेरित किया और जैसे ही मैं ध्यान के लिए बैठा मेरे मन में अनगिनत विचार आने लगे और जैसे लगा कि विचारों के दलदल में मैं धंसता गया और शांत होने के बजाय मैं तो और ही व्याकुल हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी अवस्था ठीक जैसे जल से निकलकर धरती पर फेंकी गई मछली तड़फड़ाती है वैसे ही तुम्हारा यह चित्त भी इस फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ा रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें कठोर परिश्रम करना होगा, इतना सहज ही नहीं है कि तुम चाहो और हो जाए। और उंगली माल को बुद्ध ने अपनी कुटिया में चलने का निर्देश दिया। कुटिया में बुद्ध ने उंगली माल को बैठने के लिए कहा और कहा कि अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, अपनी आँखें बंद रखो और अपना पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर लाओ। उंगली माल ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि बुद्ध ने कहा। आगे बुद्ध ने कहा कि केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। वह नासिका के मार्ग से गुजर रहा है, उसे केवल महसूस करो। तुम्हारी सांसों को तुम्हारे ओंट के ऊपरी भाग में अंदर जाते वह बाहर जाते स्पर्श कर रही है,
केवल उसे महसूस करो, पूरी तरह से सांसों पर ध्यान केंद्रित, सांसों की बारीकियों का अनुभव करो। सांस नासिका के मार्ग से जा रहा है तो जा रहा है, सांस नासिका के मार्ग से आ रहा है तो आ रहा है, जैसा है केवल उसे महसूस करो। मन में विचारों की बाढ़ आ रही है तो पुनः मन के विचारों से ध्यान सांसों पर लाओ। लगातार प्रयास करते रहो, बड़ी बारीकी से सांसों पर ध्यान लगाए रखो, उसे भटकने ही ना दो, उसे वहीं पर ध्यान बनाए रखो। सांसों के ऊपरी ओंठों के कंपन को अनुभव करो, यह तुम्हारे अंदर जा रही है बाहर आ रही है, केवल महसूस करो, केवल महसूस करो। बस उंगली माल का चित्त व मन शांत हो गया था। कुछ समय आंखों को खोलने के पश्चात उंगली माल को असीम शांति व राहत मिल रही थी। फिर बुद्ध ने उंगली माल को विपश्यना की विद्या सिखाई, जिसका पालन करते हुए उंगली माल अरिहंत हुआ। तो इसी विपश्यना को और विस्तार में जानेंगे कि ध्यान और विपश्यना में क्या अंतर होता है। आप देखते रहिए बुद्ध और उसके संदेश। धन्यवाद।